कैसा लग रहा है अंकल हल्द्वानी आगे? अच्छा लग रहा है सब। अच्छा लग रहा है ना? कैसे हैं? ठीक सब बढ़िया। अरे फिर वो आपके पढ़ना करते हैं, आपकी भी एज के सारे सारे मित्र हैं आपके। और क्या, आप यंग देख रहे हैं। दिवाली का वक्त है तो अभी हम आए हैं यहाँ पे हल्द्वानी वाले आश्रम के लिए सामान वगैरह लेने के लिए। और कैसी बात है, तुमने नाराज वाली का हद दे बच्चे, तुम बच्चों से नाराजगी होती है कुछ? अरे वाह, ये बात बच्चों से नाराजगी होती नहीं, है। ये हुआ दिवाली का गिफ्ट है। कैसा लग रहा है अंकल हल्द्वानी आगे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? आप हमारे सब आप हमारे नोएडा वाले आश्रम से आए हैं। और आपका मन भी था कि मैं हल्द्वानी वाले आश्रम में जाऊं, ठीक। तो मैं, आप और योगेश अभी नोएडा वाले आश्रम से निकल के हम लोग हल्द्वानी आ गए हैं, हल्द्वानी वाले आश्रम में। तो वंस विल रीच ओवर देयर विल अपडेट यू। सॉरी मैं बिगिनिंग से ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहे। सो वी अबाउट टू रीच हेयर आर हल्द्वानी आश्रम। हम अपने एक दो बाबा को लेके आए हैं आश्रम। यहाँ पे सफाई हो गई आश्रम की, देख सकते हैं आप, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे वृद्धाश्रम हल्द्वानी वाले में, हल्द्वानी के लामा चौर में ये आश्रम है हमारा। यहाँ निकलते गाँव लामा चौर, ये एड्रेस मेंशन है। तो यू कैन सी, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हल्द्वानी में कहाँ आश्रम है आपका, तो यहाँ एड्रेस मेंशन है और प्लस मेरा नंबर भी मेंशन है। तो यू कैन सी दिस थिंग्स आश्रम। ये है हमारे नए बाबा जो अभी हल्द्वानी हमारे उस आश्रम से, नोएडा वाले आश्रम से आए हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है बाबा उस आश्रम से, इस आश्रम आके? सही है, यहाँ पे अच्छा दिखा, शांत वाला माहौल है। हाँ, शांत हर जैसा माहौल है यहाँ पे, हरियाली है। हाँ, यहाँ हरियाली सब कुछ अच्छा है और यहाँ का मौसम भी अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है और यहाँ के लोग भी हरे हरे हैं, यहाँ के लोग भी हरे भरे। पर आपका रंग हरा क्या है? आपको तो अरे चलो, वो तो हमने कर रखा है ना, डाई कर रखे हैं। डाई? हाँ हाँ। अच्छा, आप ब्लैक डाई कर लेते हो? मैं तो फिर यहाँ पे लाल क्यों है? वो लाल ऐसा लगा, कितने लगे यहाँ लगा लेते हैं वो ऐसा है। ठीक है, बढ़िया। हेडफोन लगा के आनंद ले रहे हो गाने का? उठा देंगे अब। ओ भाई साहब, मतलब ये ऐसे हैं कि नींद में ही स्मार्टनेस दिखना चाहिए इनको। हेलो दादाजी, ये क्या स्टाइल है भाई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चश्मा लगा के कौन? चश्मा लगा के वो कौन ऐसा है? आँखों में इफेक्ट होता है ना, आँखों में इफेक्ट, मतलब क्या ना, वो धूल उल नहीं बैठती है। अच्छा, मतलब नींद में भी? हाँ। आदमी देख के पेट गंदी कर लिए, आदमी देख के खा रहे हो तो है नहीं। वो तो सारे से पीस से पेस्ट खाते हैं।
आपको तो घी दूं सिद्ध घी इट्स लाइक रियली हेल्दी फॉर हेल्थ बाबू लोग स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे झूठ बोल रहा है नहीं ठीक है हाँ ऑल ओके अच्छा है। दिवाली का वक्त है तो अभी हम आए हैं यहाँ पे हल्द्वानी वाले आश्रम के लिए सामान वगैरह लेने के लिए और जो भी लोग हमारे साथ रह रहे हैं हमारे वृद्धाश्रम में चाहे वो हल्द्वानी वाले आश्रम में हो या फिर नोएडा वाले आश्रम में हो या और भी जो लोग हमारे अलग अलग ब्रांचों में जो लोग रह रहे हैं हम इतने बेहतरीन दिवाली मनाए अपने आश्रम में कि उनको घर की याद ना आए अपने उनको ये चीज़ मुझे अच्छी लगे कि उनके बच्चे ने ले बहुत अच्छे हिसाब से मैनेज ले बनाए हैं उनको यहाँ रह के ले बहुत अच्छा लगे एहसास उनको ले बेहतर मिले उनको ले रेस्पेक्ट मिले उनको मोहब्बत मिले और ये चीज़ मेरे मन में हमेशा रहता है कि जो लोग हमारे आश्रम में रह रहे हैं उनके लाइक मन में ये चीज़ ना आए कि यार ये घर नहीं है हमारा ये तो सिर्फ एक आपका वृद्धाश्रम है तो आई लाइक वॉन्टेड टू मेक इट ऑल दिस थिंग हैप्पली कि हर कुछ हैप्पली हैप्पली हो इसलिए बुढ़ापा एक वैसा है जो लाइफ का एक लास्ट मोमेंट होता है और हर एक इंसान अपने अपने लाइफ में बहुत सारे मेहनत के बाद एक अपना एक एक अपना माइंड मेकर बनाया होगा इन्होंने एक अपना लाइक लक्ष्य बनाया होगा एक अपनी सोच बनाई होगी कि हम भी लाइक मेहनत से कुछ आगे लाइक बढ़ेंगे फिर हमारे बच्चे हमें फिर हमारे लिए हेल्पफुल होंगे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं और फिर मतलब अचानक से लाइक लास्टली अगर मतलब ऐसा हो गया कि इनको हमारे आश्रम में रहना पड़ रहा है तो इनके लाइक मन में बहुत सारी चीज़ें लाइक नेगेटिव वाली बातें होंगी जो इनके लाइक लाइफ में जो ना वो आवृत्ति हुई होगी इनकी लाइफ में इस लाइक रीज़न की वजह से हमारे वृद्धाश्रम में आए रहने के लिए तो लाइक व्हाट आई वांटेड अब जो भी हुआ इनके लाइक लाइफ में व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली नाउ ऑनवर्ड्स अब ये लाइक मेरे माँ बाप हैं अब मेरे माँ बाप मतलब मेरे माँ बाप तो जितना एक मेरा धर्म बनता है मतलब एज अ बींग एज अ बेटा मैं उसको ना बेहतर हिसाब से निभाऊं अपना बेस्ट एफर्ट दूं लोग लाइफ में हर कोई इंसान वो अपने लिए भागते हैं आई नो दैट मतलब अपना भी हेल्थ होता है सेल्फ होता है परिवार होता है बट मेरा जो भी है अब बस जो भी यही लोग हैं बट मेरा ये आप लोग से वादा है कि ऐसे जो भी माँ बाप हमारे बीच रहेंगे मैं उनके लिए हमेशा बेटा बन के रहूँगा सबसे बड़ी बात है ये कि जो भी ये सब चीज़ का निर्वहन हो रहा है जो हमारे वृद्धाश्रम में जो लोग हैं जो माँ बाप हैं आप वो चाहे आपका वृद्धाश्रम में लेकिन मैं उसको आपको रेंट की बातें ले लूँ या बहुत सारी चीज़ें भैया फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स की बातें ले लूँ या फिर जो भी चीज़ें मतलब हमारे आश्रम में जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं और जो उनके लिए मतलब हेल्पफुल हो रहे हैं ये सब कुछ जो भी हमारे वेल विशेज़ हैं जो हमें मदद में मतलब हमेशा वो आते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब तो आई जस्ट वॉन्ट रियली अप्रिशिएट दैम कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती तो आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना कर रखिएगा अपना वेल विशर वाला जो एक आपका है वो चीज़ हमेशा बना कर रखिएगा आप मेरे मतलब अपने लोग हैं इसलिए क्योंकि इस मुहिम में आप लोग हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं तो जितने भी वेल विशर्स हैं हमारे डोनर्स हैं हमारे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना मोहब्बत बनाए रखें अपने इस बेटे पे और दिवाली अभी है तो इसके लिए आपको मतलब हार्दिक बधाइयाँ और दिवाली आपके लिए बहुत अच्छा रहे आप लोग मतलब हेल्दी रहें स्वस्थ रहें जय श्री राम
ये है भाई रिलायंस मॉल हल्द्वानी का। हल्द्वानी का वक्त है तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कितने लोग आते हैं यहाँ। सस्ता और बेहतर रेट यहाँ पे मिल जाता है हमें, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। आइए। बहुत भीड़ है ना, कटिंग मिश्री माला जनेऊ कपूर रोली फील बताशा और ये मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सब यहाँ पे नहीं मिलेंगे, शायद मिल सकते हैं, देख सकते हैं। लेट मी आस्क राइट। कौन सा बेहतर है ये क्या? ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट मेरे को राइट लग रहा है। हाँ ये मेरा लेफ्ट आपका राइट, तुम्हारा लेफ्ट। अच्छा मस्त जोक मारा रे, ये हंस गए हल्का ठाट। ब्लैक हेड हमारे आश्रम मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए ब्लैक हेड जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जो भी आश्रम में हमारे लोग हैं वो बोलते हैं बेटा हर कुछ लाओ या ना लाओ पर ब्लैक हेड जरूर लेके आना। ये हमारे यहाँ पे नोएडे वाले आश्रम में और आपका हल्द्वानी वाले आश्रम में डॉग्स वाले बच्चे हमारे पास बहुत हैं, डॉग्स भी बहुत सारे हैं। और जैसे ये हैं तो यहाँ पे बहुत महंगे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी डॉग लवर्स हैं वो लाइक हमारे आश्रम में कुछ भी अगर फूड वगैरह भेज जाएँ आप लोग को हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास 10 से 12 डॉग्स हमारे यहाँ रहते हैं आश्रम में, तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू, भूलिएगा नहीं। सफाई रहना बहुत आवश्यक है आश्रम में, तो ये उसके लिए। तो आज का हमारा शॉपिंग हो चुका है डन। CNG भरवा रहे हैं अपनी गाड़ी में भी हम, इसके बाद जाएंगे हम अपने लामाचौर वृद्धाश्रम, वहाँ पे सामान उतारेंगे और उसके बाद फिर आगे का अपडेट आपको लेकर मिलेगा। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद जय भारत। हाँ आइए बाबा लोग इधर आइए थोड़ा सा। ये सब माला है, इसमें है मोमबत्तियाँ सारे, इसको आराम से वॉल पे दीवार पे लगा देना आप लोग, अच्छे से आप लोगों को मनाना दिवाली। हम इस बार वहाँ उस वाले आपके नोएडा वाले आश्रम में रहेंगे, ये रीज़न आप लोगों को पता ही है ना। ठीक है, मोमबत्तियाँ सारी आ गई, ये है माला वगैरह मंदिर में लगा देना। नहीं ये सब ये यहाँ बाहर बाहर लगाने के लिए भी है, वहाँ वहाँ मंदिर में भी लगा देना, बाहर बाहर भी लगा देना। अच्छा अम्मा आपको आता रंगोली बनाने? हाँ मैं बोलने वाली थी, रंगोली ले आए। ठीक है अम्मा, हेलो सामान है तो बढ़िया है। ये कितने का था यार? हाँ 20 वाट लग जाएगा, बट ये ऐसा वहाँ लगाने की रात में कोई नहीं तो तू इसको ना बाहर से मत लगाना, मंदिर से लगाना, थोड़ा सा रोशनी रहे। ये आपकी है जिम्मेवारी, ये है हमारे के बाबा को थोड़ा नॉलेज है सब चीज़ों का। ये है इतना बड़ा बल्ब, ये बल्ब लग जाएगा बड़ा है ना, रोशनी अच्छी आएगी, दिवाली बेहतरीन से मनाना है। ठीक है, मैं आप लोग के साथ रहूँगा अवेलेबल। ठीक है, उसके लिए वीडियो पे और वीडियो अच्छे से बनाना कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको उनको ये लगे कि हाँ रियली भाई यहाँ पे दिवाली मनाई। कही अच्छा अरे बाबा बहुत कुछ आया हमने बस। अच्छा ये है लाइक माता मंदिर का ये। ठीक है, इसमें इसमें लाइक माता रानी गणेश जी उनका जो होता है श्रृंगार गाँव का होता है, जो भी सब सामान है इसमें है सब देख लेना। और इसमें है बतासे वगैरह, पील बतासे। ठीक है, ये इसी में रख लो। हाँ यही डब्बा है।
ये नाड़बाग ओके है ना नाड़बाग जाके आ गया ठीक है ना और भी फुल जड़ी होगा हाँ फुल जड़ी है अच्छा बेटा जब लाइक हो तो व्हेन यू विल यूज दिस तो एक ना बाल्टी में वाटर को लाइक भर लेना कोई ऐसा नहीं कि उधर उधर फेंके और जले नहीं आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज़ हाँ अच्छे से यूज़ मिलाना है इसको सेफ्टी के साथ ऐसा नहीं कि उधर उधर भी फोन डाल दिए डॉग्स वगैरह हैं उसके लिए मुँह तक ना जाने चाहिए वहाँ पे बारूद भी जाता है ना बारूद होता है क्योंकि बाल्टी में लाइक भर के जो यूज़ करने के बाद उसमें बाल्टी में डुबो देना ओके दादाजी डन तो क्या परेशानी है बताओ लाओ जी लाओ हो गया कहीं सी बहाने रुक जाए हाँ वही तो रुकना तो है रुकने के लिए मैंने बोला कि अभी लाइक मेरा लाइक बर्थडे भी आने वाला है मेरे लिए बेटी का भी बर्थडे है मतलब आपकी छोटी नाती का मतलब बर्थडे है अब यार तुम एक काम करो कि मार दो कैंसर बस झंझट ही खत्म सारा कर दो अरे क्या है कैसी बात है करी तुमने नाराज वाली का हद है बच्चे को बच्चों से नाराजगी होती है कुछ अरे वाह ये बात मुझे क्या पता कब है फर्स्ट ऑफ जैन चलो बहुत बढ़िया है ना और उससे लाइक वन डे बिफोर मेरी लाइक बेटी का बर्थडे आता है तो आराम से मनाएंगे हम लोग सारे बाप बेटा माँ लोग मिलके क्या एकदम बोले तो आप चकास मस्त बिंदास क्या ठीक है भाई जनवरी फर्स्ट वीक की कर देना अच्छा अच्छा लाइक माते सब कुछ आ गया यहाँ पे आपका बल्ब का आ गया है आपका जो लाइट्स का आ गया है जो वहाँ यूज होगा मंदिर में वो भी सब यूज आ गया है ठीक है मोमबत्ती आ गई है पटाखे आ गए हैं और कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं वो तो उस दिन का है ना फल उल थोड़ा सा पूजा करने के यार मिठाई रह गया है और फल और रह गया अभी तो आई दादाजी अभी तो वक्त है खैर दिवाली में आप जाइएगा योगेश को लेकर इधर मार्केट में नामाचाल मार्केट में और वहाँ से ले आइएगा है ना मैं कुछ आपको तो मैं जाऊँ अब यहाँ से हो गया चलिए वो भी जाएगा आशीर्वाद दे दो चलिए मिलते आटा बाबा हाँ अच्छे से रहिएगा प्लीज थैंक यू प्रणाम लोग हैं अंदर है चलो मैं उनसे भी मिल लेता हूँ सो अभी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए मिलता रहेगा हमारे साथ बने रहे जय हिंद